हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आ चुके हम आज एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छे बैकपैक के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमने रिसेंटली अमेजोन से परचेज़ किया। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा बैग है और क्या है इसमें। दोस्तों, ये रहा हमारा बैग जो है, ब्लैक कलर का है ये जी, और स्काई बैग का है। तो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है इस बैग की MRP, जो कि 2100 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। प्राइस इसकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको एक अच्छे प्राइस पर ख़रीदा है। तो हम अब आगे आपको बताएंगे कि हमने क्या प्राइस पर ख़रीदा है। तो चलिए देखते हैं पहले हमारे बैग को खोल कर कि कैसा है। तो ये रहा दोस्तों हमारा स्काई बैग की तरफ से आने वाला बैकपैक। ये रहा दोस्तों, इस बैग की कैपेसिटी जो है वो 25 लीटर्स की है, 25 या 26 लीटर की। तो ये एक दोस्तों मीडियम साइज़ का बैग है, ना ही ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही बिल्कुल छोटा है। ये रहा दोस्तों, इसके बेसिकली एक बड़ा कंपार्टमेंट है ये वाला, एक ये उसके साथ छोटा कंपार्टमेंट है ये वाला, और एक ये पॉकेट और है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इसके तीन, दो पॉकेट और एक कंपार्टमेंट है। चलिए खोल कर देखते हैं कैसा है। दोस्तों ये रहा, ये देखिए यहाँ स्काई बैग की ब्रांडिंग की हुई है, का लगा हुआ है। दोस्तों अंदर से दिखने में हमारा बैग ऐसा है। बीच में से देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये जो मटेरियल है इसकी, बीच वाले मटेरियल की क्वालिटी तो अच्छी है। ऐसा है हमारा बीच में से बैग, इसको आप देख पा रहे हैं। तो बीच में कोई भी एक्स्ट्रा में लैपटॉप वाला कंपार्टमेंट नहीं मिलता। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि इसमें आप लैपटॉप वाला स्पेशल जो आपको एक कंपार्टमेंट बना होता है वो नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड कंपार्टमेंट। तो ये है हमारे इस बैग का सेकंड कंपार्टमेंट, अगर आप देख पा रहे हो सर दोस्तों। तो इसमें कोई भी वो पॉकेट्स अलग से नहीं बनी हुई है, जो कुछ हमारे जो बैग्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि यहाँ पॉकेट्स बनी होती हैं अलग अलग। आप उसमें पेन वगैरह अपना अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, तो वो यहाँ ऑर्गेनाइज़र पॉकेट्स नहीं है इसमें। तो ये इधर भी स्काई बैग का स्टिकर लगा हुआ है। तो ये हमारे दो कंपार्टमेंट हो गए। उसके अलावा दोस्तों ये है हमारा तीसरा वाला पॉकेट कंपार्टमेंट। तो ये है पॉकेट कंपार्टमेंट, ये भी दोस्तों अच्छा खासा, इसमें भी है, आप स्पेस है, इसमें भी काफ़ी आपकी चीज़ें अच्छी खासी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर तीन इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, एक बड़ा वाला, एक पॉकेट साइज, और एक ये जो छोटा है ये वाला। इस साइड में दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमारा बॉटल कैरी करने के लिए बना हुआ है, इसमें आप अपनी वाटर बॉटल को कैरी कर सकते हैं। एक साइड पर ये दोस्तों, दूसरी साइड पर नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्काई बैग का जो बैजिंग की हुई है काफ़ी अच्छी तरह से ये की हुई है। दोस्तों एक बात मैं बताऊँ, ये जो बैग का मटेरियल है ये वाटर प्रूफ नहीं है दोस्तों। तो ये आप चीज़ दिमाग में रखें कि ये बैग जो है ये वाटर प्रूफ नहीं है। इसका जो ये जो मटेरियल है, इससे आपको थोड़े बहुत पानी से, पानी की छींटों से बचा सकता है, लेकिन ये बारिश वगैरह में आपके सामान को नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर स्काई बैग लिखा हुआ है। दोस्तों ये वाला मटेरियल तो अच्छा है, इसके बीच वाला मटेरियल भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर ये वाला मटेरियल लगा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हो नीचे, और ये वाला, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों।
इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो कि हम कई लोकल ब्रांड्स के देखते हैं, जो हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं, उनके जो ये वाला मटेरियल होता है काफ़ी हार्ड होता है, सख्त होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मेरे को उस क्वालिटी का नहीं लग रहा दोस्तों, थोड़ा सा ये पतला है ये फैब्रिक। इसके अलावा दोस्तों बैक साइड से आप देखेंगे, ये देखिए स्काई बैग का को लगा हुआ, यहाँ भी आप प्राइस देखें तो 2100 की इसकी MRP है, लेकिन दोस्तों अभी हम मैं बताऊं आपको, मैंने अमेज़ोन से इसको 669 रुपये का मैंने ये ख़रीदा है। तो दोस्तों 669 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है बैग। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी मैश लगी हुई है यहाँ तक, ये हमारी जो स्ट्रिप्स हैं उनके लिए ये स्पेशल, और यहाँ पर एक लगाई गई है पट्टी लगाई गई, उसको अच्छे से सिला हुआ है ताकि कोई भी हम अगर इसमें हैवी वेट कैरी करते हैं तो ये यहाँ से फटे नहीं। तो ये इसकी हुक है पकड़ने के लिए, ये नीचे भी फैब्रिक लगा हुआ है। तो ये मैच आपको काफ़ी अच्छी गर्मियों में अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो ये पसीना वगैरह आपका अच्छा से सोख पाएगी। तो दोस्तों उस हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से तो अच्छा बना हुआ बैग, काफ़ी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। इसके बीच में ये जो है ये सारा फोम लगा हुआ है, तो अच्छा सपोर्ट है। नीचे भी दोस्तों इस जगह पर भी आपको फैब्रिक के बीच में जो है वो एक गद्दा टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया ताकि ये नीचे आपके फैब्रिक को सपोर्ट मिले और ये आपका बैग सीधा रहे और अच्छा चल पाए। मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो अगर आप स्कूल पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं या हैवी चीज़ें कैरी करने के लिए ले रहे हैं तो आप इस बैग को मत लीजिए। अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए चाहते हैं इस बैग को लेना या थोड़ा बहुत सामान कैरी करना चाहते हैं तो तब आप इस बैग को ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा इस बैग का रिव्यू, फर्स्ट इम्प्रेशंस आप बोल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में कैसा चलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो बैग ठीक लग रहा है। हाँ 669 में ये बैग मेरे लिए तो ठीक है, जो ऑफिस यूज़ करने वाले हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जो लोग स्कूल वाले हैं उनके लिए ये बैग सही नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से इस बैग का छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।